तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेडमी 10 प्राइम 2022 के बारे में, जो अभी 2022 में लॉन्च हुआ है, उसका आप स्टार्टिंग सेटअप जो है वो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके पास ऐसा इंटरफेस होगा, आपने जहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जहाँ से अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद जहाँ से आपने अपनी कंट्री जो भी है आपने सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग के बाद दोस्तों आपने जहाँ पर टिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। जहाँ से आप वाईफाई के साथ कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, आपने नेक्स्ट करना है, क्लिक करना है। जहाँ पर दोस्तों अभी चेकिंग इन्फो हो रहा है, जहाँ पर थोड़ा समय लेता है ये, तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ से आपकी आईडी मांगेगा, अगर आप प्ले स्टोर की आईडी बनाना चाहते हो जहाँ से बना सकते हो, नहीं तो नीचे से स्किप कर देना है और नेक्स्ट कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है और ओके कर देना है। जहाँ फिर थोड़ी प्रोसेसिंग लेगा, जहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप स्क्रीन लॉक या फिंगरप्रिंट कुछ लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते। अभी हम नहीं लगाएंगे तो स्किप कर देंगे, नेक्स्ट करना है, एग्री। तो जहाँ से फिर से नेक्स्ट कर देना है, जहाँ से आपसे पूछेगा कि आप कौन सा लॉन्चर सेट करना चाहते हो, लॉन्चर सेट कर लेना है और कंप्लीट सेटअप आपका यहाँ से हो जाएगा और आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर से थोड़ी सी जो प्रोसेसिंग लेगा, तो प्रोसेसिंग तक दोस्तों वीडियो को स्किप करते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेसिंग ख़त्म होने के बाद हमारा जो फ़ोन है वो इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।